अब तक आपने देखा? ये जो माँ ठाकुरायन और उनके बेटे हैं ना, ये शिकारी हैं, और हम जैसे कमजोर लोग उनका शिकार। हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो है इस देश का कानून। चौराहे पे खड़े होके जितना चिल्लाना चिल्लाओ, लेकिन एक बात याद रखो, ई बाजार में धोखा कौन और असर नहीं देगा। सामान अगर नहीं दोगे तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब देखिए आगे। दुकान की है ना, तो ये पर्ची लो और सामान बांधो। सत्ती बाबू, हम लोग आपके साथ हैं, पर आप हम सच के साथ चुपचाप से सामान बांधो, वरना तुम सबका सामान बांध के बेगूसराय के बाहर फेंकवा देंगे। चले जाओ यहाँ से साहब। पीछा कर रहे हो हमारा? पीछा? हमने कहा था साथ चलने के लिए, लेकिन तुम आगे जाने की जिद पकड़ के बैठी हो, तो इसलिए हमें तुम्हारे पीछे आना पड़ा। समन ठाकुर सर, साबित क्या करना चाहते हो तुम? सच में जानना चाहती हो तुम? तो आओ हमारे साथ। शक्ति हमें कहाँ लाया है? सुनाई दे रहा है? क्या कहानी? कैसी कहानी? वो कहानी जिसने बिंदिया नाम की एक बहू को, एक बेटी को, एक मां को मार दिया, और उसकी मौत से जन्म हुआ मां ठाकुरायन का। मतलब तुम्हें यही लगता है ना
कि हमारी माँ सबके ऊपर हुक्म चलाने वाली एक क्रूर औरत है। तुम जानना नहीं चाहोगी कि आखिर हमारी माँ ऐसी क्यों बन गई? हमारे ठाकुर परिवार के ऊपर एक बेरहम औरत का साया पड़ गया था। हमारे पापा को पाने की जिद में उसने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। यहां हमारे बड़े पापा वहां हमारे पापा यहां हमारी मां सबको मार दी। माँ ने हमें जन्म देते देते अपना दम तोड़ा और यही विद्या ठकुराइन हमारी माँ बनी। यानी माँ ठकुराइन तुम्हारी असली माँ नहीं है? तुम्हारी असली माँ से बढ़ के हैं वो। अपने बेटे से कहीं ज्यादा प्यार किया। हम पांचों भाइयों को गोद में लेकर कसम खाया था उन्होंने कि जीवन भर हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए हमेशा हम सबको औरत से दूर रखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार फिर से कोई औरत आएगी और हमारा घर तोड़कर चली जाएगी। लोग कहते हैं कि औरत प्यार का रूप होती है, घर बसाती है यार, लेकिन एक ऐसी औरत ने हमारी माँ का घर बर्बाद कर दिया। इसीलिए वो औरत होके भी औरत जात से नफरत करती है, प्यार से नफरत करती है। कहती है कि प्यार इंसान को कमजोर बनाता है और शायद इसीलिए वो मयंक और सोनी के रिश्ते के खिलाफ है। देखो ये तुम्हारी माँ की अपनी सोच है, लेकिन ये सच नहीं है शक्ति, ऐसा नहीं होता। सही हो और चाहे गलत, जो माँ का सोच है वही हमारा सोच है। लेकिन जिस माँ ने हमें अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसी के बेटे हमने उसी माँ को धोखा दे दिया। अगर अपने इन हाथों से हम तुम्हें मौत के घाट उतार देते तो आज हमारी माँ जेल के अंदर नहीं होती, और तुमने भी तो वही किया। हमने तुम्हारा जान बचाया और तुमने हमारी माँ के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अगर हम तुम्हारी माँ को जेल नहीं भेजते वो हमारे भाई को मार डालते।
देखो, अगर हम चाहें तो एक मिनट में तुम्हारे भाई को मार सकते हैं। हेलो शक्ति भैया, मयंक भैया अब ठीक तो हो? हम दोनों ठीक है, शक्ति ठाकुर ने हमें एक सेफ जगह पर रखा है। तुम हमारी चिंता मत करो, बस कैसे भी ये बवाल खत्म हो तो हम घर आए। शक्ति भैया ने हमें कहा है कि सोनी की माँ हमें माफ कर देगी, लेकिन सुना है तुमने उनके खिलाफ गवाही देकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया है। पर भैया, शक्ति भैया सबसे अलग है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मान लेना। ख्याल रखना अपना। चाहते क्या हो तुम? ये तो हम भी नहीं जानते कि हम चाहते क्या हैं। अपनी ही माँ के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं। जानती हो, इस जगह पे आके हमें इतनी घिन आ रही है खुद से कि जिस माँ ने हमें अपनी जान से ज्यादा चाह, हम उसे ही धोखा दे रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि उनकी माँ हमारी गलती की वजह से जेल में है, और अब हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसका साथ दें, अपनी माँ का या सही कहती है माँ कि प्यार इंसान को कमजोर कर दे। आज जाके समझ में आया हूं। हम कुछ समझे नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, ये हमारा दिमाग, जब इसको ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें तो तुम्हें क्या समझाएंगे। इसी हाथ ने तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई, जिसकी वजह से हमारी माँ आज जेल के अंदर, इस हाथ को सजा मिलनी चाहिए। हमको मिलनी ही चाहिए, इस बात की सजा मिलनी चाहिए। शक्ति, तुम्हें हमारी कसम, जिसे जिंदगी ढूंढ
क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। सबर था उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, तक गिनेंगे किशन सिंह, जितना सामान फेंका है ना सब अपनी जगह पे होना चाहिए। शक्ति भैया सबसे अलग है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मान लेना। तुमने हमारे लिए, हमारे भाई के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हें तुम्हारी माँ के सामने शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हम लेंगे अपना बयान वापस। थैंक यू सो मच अनन्या, हमें पता था कि तुम बहुत अच्छी हो, और देखना जब तुम केस वापस ले लोगी ना तो ये बात हमारी माँ भी मान लेंगी, और ना मयंक और सोनी को भी माफ कर देंगी वो, सच में। थाने चले, तुम थाने के अंदर जाओ, हम आते हैं। अब इतना खुशी का बात आप सुना रहे हैं तो मिठाई तो बनता है ना, मेरा मिठाई तैयार रखिएगा। एसपी साहब कहाँ पर? अच्छा मिश्रा जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। उक्का है कि तुमने आने में थोड़ा देर कर दी, अरे उनका तो तबादला हो गया है। क्या? ना माँ का फोन लग रहा है ना घरों का, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हम माँ ठकुरान के खिलाफ केस वापस लेने के लिए आए हैं, लेकिन अब उसकी कोनो जरूरत नहीं, उन पर लगे सभी आरोप कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या है कि बॉयफ्रेंड के संग रंगरलियां मनाई तुम,
और हमसे पूछ रही हो कि सब क्या है। किडनैपिंग का तो कोनो केस नहीं बनता है मैडम जी, बहुत बड़े नौटंकी बाज हो तुम दोनों बाप बेटी। पहले शक्ति के साथ रंगरलिया मना, उसके बाद फिर पैसा ऐंठने के लिए माँ ठकुराइन पर किडनैपिंग का केस भी कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे कह नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी लाइव। अबे ओ, अने हमको भी दिखाओ।